Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today I will discuss the topic data sufficiency. बेटा अगर हम बात करते हैं data sufficiency की, तो data sufficiency काफ़ी ज़्यादा important topic है exam point of view से. और data sufficiency के questions exam में आते हैं, quantitative aptitude के भी आ जाते हैं, इसके अलावा logical reasoning के questions भी आते हैं data sufficiency पे based. और you can say कि data sufficiency is a type. एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी बनते हैं. ओके, तो यहाँ पे जस्ट हमें अगर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है, मे बी क्वांट, मे बी लॉजिकल रीजनिंग, तो उसका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लोगे. ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो पास में व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इन किलोमीटर, किलोमीटर के अंदर ए और सी का डिस्टेंस बताना आपको. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिटी ए इज 90 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी. सिटी ए 90 किलोमीटर है किससे, सिटी बी से, इसने ये कहा. तो क्या इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ए और सी का डिस्टेंस कितना होगा. अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें तो सी का जिक्र ही नहीं है कहीं पे भी, दैट मीन्स कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर. नाउ कम ऑन द सेकंड वन, अगर हम सेकंड कहें तो कह रहे हैं सिटी बी इज 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम सिटी सी. जो सिटी बी है वो सी से 30 किलोमीटर अपार्ट, एंड सिटी सी इज बिटवीन ए एंड बी. जो सिटी सी है वो ए और बी के बीच में है. और साथ में क्या कह रहे हैं कि जो सिटी बी है वो सी से 30 किलोमीटर अपार्ट है. अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं सेकंड वाली को, तो हमें ये इधर वाला डिस्टेंस नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स कि वी कांट आंसर. अगर हम इसको कंसीडर करके चलते हैं तो यहाँ से हमारे पास में देखिए आप कि सिर्फ ए और बी का ही डिस्टेंस गिवन है, सी का तो जिक्र ही नहीं है, दैट मीन्स कि इसकी हेल्प से भी आप आंसर नहीं कर सकते. बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज 90 और ये कितना है 30, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा 60. ओके, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए और सी का डिस्टेंस कितना है. दैट मीन्स व्हाट, कि हमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है टू गिव द आंसर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर आर सफिशियंट, बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट इज अलोन इज नॉट सफिशियंट. कल्ले कल्ले आंसर नहीं कर सकते, बट दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है, हाँ जी, लास्ट ईयर 560, पहला क्वेश्चन देखते, कह रहे हैं हाउ मैनी गर्ल्स डिड पास द एंट्रेंस एग्जाम दिस ईयर. ओके, नाउ द स्टेटमेंट्स आर लास्ट ईयर 560 गर्ल्स पास्ड. लास्ट ईयर कितनी पास थी, 560 गर्ल्स पास थी. अब लास्ट ईयर 560 गर्ल्स पास थी तो मुझे क्या पता कि इस बार कितनी पास हुई है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वी कांट कंक्लूड. ओके, बट अगर सेकंड देखते हैं, यहाँ पे देखो कह रहे दिस ईयर देयर वाज 10% डिक्रीज ओवर द लास्ट ईयर इन नंबर ऑफ फेलियर्स. अब कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फेलियर्स है उसमें 10% का डिक्रीज है. अब देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्या हमें उससे ये पता चल रहा है कि लास्ट ईयर के अंदर हमारे पास में फेलियर कितना था. अगर हमें पता हो कि भाई लास्ट ईयर के अंदर इतने स्टूडेंट, इतनी गर्ल्स फेल थी, तो हम अब इस बार कह सकते हैं कि भाई 10% यहाँ पे डिक्रीज है. बट हमारे पास गिवन नहीं है, ना ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. ओके, दैट मीन्स कि हम दोनों को भी अगर कंबाइन कर दे तो अपना आंसर नहीं निकल के आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, इफ द स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, दोनों मिला के भी सफिशियंट नहीं है, इनसफिशियंट डाटा टू गिव द आंसर. ओके, यस, नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट है, वट इज द 30th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. 30th टर्म क्या होगी अगर हम बात करते हैं 30th टर्म. एपी का क्वेश्चन है, हाँ एक बार एपी और जीपी भी देख लेना बेटा सभी. एपी जीपी जो है उसका एक बार फॉर्मूलाज माइंड में एक बार कैलकुलेट कर ले सारे ना, एक बार जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स है तो उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, बिकॉज अभी लास्ट टाइम है, 5th को एग्ज़ाम है, तो एक बार सभी रिवाइज कर लेना. ओके, तो हाँ जी क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा से. क्या है, व्हाट इज़ द 30th टर्म
ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि जो हमारे एडजेसेंट नंबर्स हैं उनके अंदर सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है, सेम डिफरेंस होता है। और यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज वन एंड वन बाई टू, जो दो टर्म है वो क्या है वन और वन बाई टू। अब अगर मुझे 30th टर्म फाइंड आउट करनी है तो 30th टर्म के लिए मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए मुझे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो चाहिए मुझे और डिफरेंस चाहिए। अब देखो क्या मेरे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू मुझे ये वाला डाटा मिल रहा है। अगर ये वाला डाटा मिल रहा है दैट मीन्स कि हमारे आंसर आ जाएगा, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वन, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो वन माइनस वन बाई टू कितना बन गया, माइनस वन बाई टू। हर बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है वन बाई टू, दैट मीन्स कि जो डिफरेंस है दैट इज एन बाई टू एंड एन की वैल्यू यहाँ पे क्या कह रहा है वो 30 है। ओके दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट, जब हम कैलकुलेट कर पा रहे दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है, तो कॉमन डिफरेंस इज माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पे देखिए इसने कहा कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस वन बाई टू है, बट ये तो हमें पहले वाले से ही पता चल गया कि डिफरेंस कितना है, क्योंकि पहली वन है फिर दूसरी कितनी है वन बाई टू है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इसके अंदर से माइनस करती हूँ तो डिफरेंस क्या आ रहा है मेरे पास में, माइनस वन बाई टू ही आ रहा है ना। सेकेंड टर्म कब बन रही है, जब हम उसके अंदर से माइनस कर रहे हैं वन बाई टू, दैट मीन्स कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो मेरे पास फर्स्ट से ही मिल रही है। ओके दैट मीन्स कि फर्स्ट से हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर मान लो सिर्फ मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है और फर्स्ट वाली नहीं है, दैट मीन्स कि हमारे पास में इस पूरे फॉर्मूला के अंदर सिर्फ यही मिल रहा है, मुझे बाकी क्या ये नहीं मिल रहा, ठीक है, तो क्या मैं आंसर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि सेकेंड इज नॉट सफिशियंट, ओनली फर्स्ट इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इफ स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके यस नेक्स्ट देखिएगा बेटा, साथ साथ ना खुद से भी एक बार सोल्व करते रहो क्वेश्चंस को कि हाँ जी आपका आंसर सेम आ रहा है, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने प्रिपरेशन है आप लोगों की। ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जोन्स एज, जोन की एज क्या है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स जोन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डियास वुड बी। जितना दियास है उससे 15 साल के बाद में क्या होगा, जोन की एज कितनी हो जाएगी, डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम इसकी हेल्प से आंसर कर सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास में दोनों दो पर्सन है, वन इज जोन एंड सेकंड वन इज दियास, उसने सिर्फ ये कहा कि 15 साल के बाद में उसकी एज डबल हो जाएगी, तो क्या आप इससे आंसर कर सकते हो कि जोन की एज कितनी है, नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज नॉट सफिशेंट। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है कह रहे दियास वाज बोर्न 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, ठीक है 5 साल पहले, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो दियास है इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, 5 ईयर्स है। ओके सिर्फ यहाँ पे जो अगर मैं सिर्फ सेकंड को देखूँ तो उसके यहाँ पे तो जोन का जिक्र ही नहीं हो रहा, सिर्फ क्या कह रहा है कि दियास की एज 5 ईयर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ से दियास की एज का तो पता चल रहा है बट जोन की एज का नहीं पता चल रहा, दैट मीन्स कि ओनली सेकंड से भी हम आंसर नहीं कर सकते। बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। देखो कहते 15 ईयर्स जोन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज दियास वुड बी, तो दियास आफ्टर 15 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर 15 ईयर्स दियास की एज कितनी हो जाएगी, 20 होगी, ठीक है। दियास की अगर 15, 20 है और ये क्या कह रहा है कि जोन क्या है उससे डबल है, दैट मीन्स कि जोन की एज कितनी हो जाएगी, डबल, दैट मीन्स कि 40 ईयर्स। ओके तो जोन की प्रेजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 25 ईयर्स। ओके क्लियर, तो यहाँ से आप निकाल सकते, जरूरी नहीं था आपको इसको पूरा कैलकुलेट करना, बट हमें ये आइडिया तो हो गया ना पहले से कि हाँ जी अगर इसकी एज का मुझे पता है तो यहाँ से दूसरे की निकल जाएगी। दैट मीन्स कि आंसर क्या आएगा आपके पास में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, कोई भी अलोन सफिशिएंट नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में इज ए इज इक्वल टू सी,
क्या ए सी के इक्वल है? देयर ए बी सी आर रियल नंबर, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। अब जो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है उससे मुझे क्या मिल रहा है, बी माइनस सी। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि टू बी की वैल्यू क्या आ रही है, इस बी को अगर मैं इधर ले जाती हूँ सी एक साइड आ जाएगा ए प्लस सी। तो क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए और सी इक्वल हैं या नहीं है? जस्ट हमारे पास में यस या नो में आंसर आना चाहिए हमें। ये देखो क्या आप यहाँ से बता सकते हो, नहीं बता सकते। दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, अगर हम बात करें बेटा सेकंड की, तो सेकंड के अंदर भी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए माइनस टू सी इज इक्वल टू सी माइनस टू बी। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल दिखाई दे रहे, दैट मीन्स वी कांट कंपेयर। ओके, अगेन कंपेरिजन नहीं हो पा रहा किसका, ए और सी का। दैट मीन्स कि इसको भी से भी आंसर नहीं आएगा। बट अगर हम दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो उस केस के अंदर क्या बनेगा, देखो दूसरी जो स्टेटमेंट है बेटा क्या है, ए माइनस टू सी इज इक्वल टू सी माइनस टू बी। अब जो सी माइनस टू बी है, तो फर्स्ट वाली को अगर मैं इसके साथ में इंक्लूड कर दूं, तो मुझे पता है कि टू बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी है। दैट मीन्स कि इस टू बी की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस सी लिख सकती हूँ। अगर यहाँ पे हम इसको a प्लस सी लिखते हैं, तो ये अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में बेटा, माइनस ये आ गया। जैसे ही मेरे पास में ये आया, दैट मीन्स कि ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, a इधर चला गया, क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 2c। दैट मीन्स a इज इक्वल टू c। दैट मीन्स कि वी कैन आंसर कि a इज इक्वल टू c। यस, a इज इक्वल टू c। सो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में, दोनों की रिक्वायरमेंट है टू गिव द आंसर। ओके, यस। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज एन इंटीजर। ए एक इंटीजर है, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी। अब ए रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 गिवन है। जैसे मेरे पास में ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ए 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन रहा है कि ए की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है और एक मेरे पास में पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा ए इज एन इंटीजर, इंटीजर का है, दैट मीन्स कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी, और यहाँ पे ए 4 की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स कि अगर ए की वैल्यू माइनस 1 है तो भी ए 4 की वैल्यू 1 आएगी, अगर ए पॉजिटिव 1 है तो भी आपके पास 1 आएगा। दैट मीन्स कि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वी हैव टू वैल्यूज, आपके पास में एक वैल्यू नहीं आ रही है। अगर मैं दूसरा देखूँ, अगर हम दूसरा देखें तो क्या कह रहा है, ए क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं, यहाँ से हम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स व्हाट, कि ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। माइनस 1 कब आएगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, माइनस 1। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस 1। डन, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया कि सेकंड इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर, बट फर्स्ट वन इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द ट्रेन क्रॉसेज ए, द ट्रेन क्रॉसेज ए 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। ट्रेन 15 सेकंड के अंदर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे जिसकी लेंथ कितनी है, 220 मीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास में उसकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड होनी चाहिए तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब दूसरा अगर हम देखें, दैट मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं, द ट्रेन क्रॉसेज ए पर्सन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से एक पर्सन आ रहा है जो, जिसको वो 6 सेकंड के अंदर क्रॉस करे। अब यहाँ पे अगर हम दूसरे को देखें तो यहाँ से भी आप ये देखो कि जो पर्सन है ना, तो हमारे पास में पर्सन की स्पीड गिवन है, ठीक है, ना हमारे पास ट्रेन की स्पीड गिवन है। डन, दैट मीन्स व्हाट, कि दूसरे की हेल्प से भी हम आंसर नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं, क्या हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, अगर हम ये मान के चले कि एक स्पीड है ट्रेन की, एक पर्टिकुलर स्पीड में कंसीडर करके चलती हूँ, तो यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग
यहाँ पे एक वेरिएबल आ जाएगा स्पीड का, बट मेरे पास में स्पीड नहीं आ रही। अगर हम दूसरे के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेते हैं तो यहाँ पे जो मैन को क्रॉस करे तो मैन की भी स्पीड नहीं है, दैट मीन्स कि यहाँ से भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट मीन्स कि अगर मैं दोनों को कंबाइन भी कर लूँ तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा। क्लियर? क्योंकि जब यहाँ पे आपके पास में टाइम गिवन है, टाइम अगर आपने पास में गिवन है तो उस केस के अंदर स्पीड, देखो स्पीड क्या होती है आपके पास में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और जब ट्रेन की बात कर रहे हैं तो उस केस के अंदर बेटा टोटल डिस्टेंस क्या होता है आपके पास में, जो भी सेकंड वेरिएबल गिवन है साथ में ही ट्रेन की लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस यहाँ पे दूसरा जो है आपके पास में 220 डिवाइडेड बाय 50, ये अपने पास में स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास में दो वेरिएबल आ गए। अगर मैं दूसरे में भी देखूँ तो दूसरे की हेल्प से भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा, द ट्रेन क्रॉसिज ए पर्सन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है, बट हमें उसकी स्पीड तो पता ही नहीं है। ठीक है, मैन की भी स्पीड नहीं पता, दैट मीन्स कि यहाँ से भी मेरे पास में सफिशियंट डाटा नहीं है आंसर करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, नीदर स्टेटमेंट वन नोर स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट वो क्वेश्चन आपके पास में ऐसा ही है कि आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है, आपके पास में क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड क्या रहेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं, बोट कवर 150 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम स्पीड इन 10 आवर्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलेगा कि मेरी बोट की जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो किसके अंदर, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है ना, अपस्ट्रीम स्पीड मिल जाएगी। ओके, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से तो मुझे बोट की जो है अपस्ट्रीम स्पीड है वो मिल रही है, और अपस्ट्रीम स्पीड होती क्या, अपस्ट्रीम स्पीड आपके पास में क्या है, बोट की स्पीड। ठीक है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, तो अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आती है। डैट मीन्स कि मुझे यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि मेरी बोट की स्पीड क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। लेट अस कंसिडर, दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मुझे क्या मिला इससे, ये मिला ना कि, ठीक है, ज़्यादा कुछ डाटा नहीं मिल रहा, बी माइनस एस की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 5:3। रेशियो यहाँ पे गिवन है मेरे पास किसकी, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड है जो रेशियो है, रेशियो इज व्हाट, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, दिस इज 5:3। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है आपको। तो अब देखो, अपस्ट्रीम स्पीड है मेरे पास, दैट मीन्स दिस इज 15। अगर ये 15 है, 5 का मल्टीपल हो रहा है ना, दैट मीन्स कि ये भी क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल। तो मेरे पास में क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब जब डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों है, दैट मीन्स कि आई कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट। कैसे करेंगे, सम ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर, दैट मीन्स कि दोनों की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज सफिशियंट। बोट एंड स्ट्रीम के भी छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अपस्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड मेरे पास दोनों की गिवन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ जी बोट की स्पीड क्या होगी, क्या होगी, दोनों को सम करोगे डिवाइडेड बाई 2, बोट की स्पीड आ जाएगी। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, तो स्ट्रीम की क्या होगी, दोनों को माइनस करो डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितनी आ गई आपके पास, 5। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, कह रहा है इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। बी कितने दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। अब मेरे पास में डाटा क्या गिवन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। ए और बी मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म कर रहे हैं, 18 डेज के अंदर। ए प्लस बी का टाइम मेरे पास में गिवन है कितना, 18 डेज। बी क्या हम इसकी हेल्प से, पहले तो ये देखो, क्या हम सिर्फ इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि बी कितने दिनों में काम को ख़त्म करेगा, नहीं। हाँ, अगर मेरे पास में ए का गिवन होता और ये डाटा गिवन होता तो हम बता सकते थे, दैट मीन्स कि दिस इज अलोन नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। सेकंड देखो, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। बी एंड सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 डेज के अंदर। अब देखो, हाँ जी, अब बी और सी गिवन है, बी और सी गिवन है, तो क्या अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बोट आपका टाइम एंड वर्क के अंदर सिखाए थे, जिसके ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए,
हाँ जी, तो अब यहाँ पे बेटा जो तीसरा एक और मुझे डाटा की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे पास में गिवन होता सी प्लस ए का डाटा तो मैं आंसर कर सकती थी क्या कि बी कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है अलोन, ए कितने टाइम में ख़त्म कर सकता है, सी कितने टाइम में, सभी का हम फाइंड आउट कर सकते थे। इवन और हम क्या फाइंड आउट कर सकते कि तीनों मिलके कितने दिनों में काम को ख़त्म कर सकते हैं, बट ये तो गिवन नहीं है दोनों को मिला के भी। दैट मीन्स बट कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सफिशियंट नहीं है। कौन सा है? नीदर स्टेटमेंट वन नोर स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ओके, दैट मीन्स दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है? हाउ मच प्रॉफिट अर्न सेलिंग ए टेबल। एक टेबल को अगर हम सेल करते हैं तो कह रहा है कितना प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ टेबल इज 5:8। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों की रेशियो गिवन है आपके पास में। आफ्टर गिविंग सम डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज अकर्ड इज 28%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है? 28% आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो प्रॉफिट कह रहा है 28% आ रहा है और साथ में क्या गिवन है आपको पास में? रेशियो गिवन है। तो क्या इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो? प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो जब तक बेटा सेलिंग प्राइस की रेशियो नहीं होगी। अगर मेरे पास में यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो रेशियो है ये किसकी? हमारे पास में सीपी और एमपी की रेशियो गिवन है। ठीक है, अगर मेरे पास में सी पी एस पी और एम पी की रेशियो होती तो मैं आंसर कर सकती थी, तो मैं आंसर इजीली कर सकती थी। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे पास में कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है और मेरे पास रेशियो किसके? सी पी एंड एम पी की। और अगर जो परसेंटेज है वो भी किसकी गिवन है? सिर्फ मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर आई कांट आंसर। ओके, अब दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि द शॉपकीपर इज गिवन 20% डिस्काउंट ऑन एमपी। 20% का क्या कह रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज 320। और सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 320 है। अब देखो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, इस फर्स्ट वाले को भूल जाओ, सेकंड को देखो। सेकंड कह रहा है कि शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया है एमपी पे और साथ में उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 320 है। 320 है, बट यहाँ से हम क्या सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो यहाँ से बेटा मेरे पास में क्या आ जाएगी? हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है और मेरे पास में सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी गिवन है। दैट मीन्स वट कि हाँ जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सभी को कंबाइन कर दे तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि सी पी कितना है आपके पास में? 5x। एम पी कितना है आपके पास में? 8x। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट क्या कह रहा है? 28% है। 28% है, दैट मीन्स कि एस पी कितना हो गया आपके पास में? 5x इंटू 128। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है आपके पास में? 320 के इक्वल गिवन है। अगर दूसरे को कंसीडर करो तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिली तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, डन। दूसरा क्या कर सकते हो? यहाँ पे दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको कंसीडर करती तो भी मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरा मैं देखूँ कि यहाँ पे मेरे पास में एस पी गिवन है और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। अब यहाँ पे क्या है? एम पी। दूसरा अगर मैं देखूँ तो एम पी कितना है बेटा? 8x। ठीक है, डिस्काउंट गिवन है, दैट मीन्स वट कि हम एस पी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस पी कितना आएगा आपके पास में? हाँ जी, डिस्काउंट कितना बेटा? 20%, दैट मीन्स कि 80/100। अगेन इसकी वैल्यू को भी हम 320 के इक्वल पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 8x है बेटा, ये कन्फ्यूज नहीं होना। तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स वट कि दोनों की रिक्वायरमेंट है आपको आंसर को करने के लिए। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज रिक्वायर्ड। ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया, इसकी ज़रूरत नहीं थी डाटा सफिशिएंसी के अंदर, आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी सॉल्व करने की कि हाँ जी, जस्ट इसलिए कि हाँ जी आपको ये पता चल जाए कि डाटा सफिशिएंट है या नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, एक क्वेश्चन ना बेटा इस तरह से भी आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में डाटा सफिशिएंसी में ही आएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, ये वाली भी एक टाइप बनती है। क्या है कि आपके पास में कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी और उसका आंसर यस नो में ही आना है, यस नो में आना है, या फिर आपके पास में आंसर गिवन हो सकता है और
ऑप्शन में ही आ सकता है, कांट बी डिटरमाइंड, डाटा इज नॉट सफिशियंट, इस तरह से कुछ। तो देखो जैसे यही है, क्या ए बोट नीड्स टू फरी 1500 पैसेंजर अक्रॉस ए रिवर इन 12 आवर्स, ओके, इट टेक्स 150 पीपल इन ए कंप्लीट राउंड। कंप्लीट राउंड में कितने लोगों को लेके जा रहा है वो, 150 को लेके जा सकता है, टू एंड फ्रो, फॉर विच इट टेक्स 45 मिनट्स, जिसके लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, 45 मिनट्स लग रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, विल इट बी एबल टू कम्प्लीट इट्स टारगेट इन 12 आवर, क्या वो 12 घंटे में अपने टारगेट को कम्प्लीट कर लेगा। अब टारगेट क्या है, 1500 पैसेंजर हैं उनको क्रॉस करवाना है हमने, तो उस केस के अंदर देखो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे देखो उसने कहा है कि 12 आवर हैं हमारे पास टोटल, पर 150 पैसेंजर को लेके जा रहा है 45 मिनट के अंदर, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे का टाइम है हमारे पास में, तो वो ऑब्वियसली इजीली उसको क्रॉस करवा देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, यस। अगेन इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 45 मिनट्स के अंदर, 150 पैसेंजर को लेके जा रहा 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है, तो 1500 पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए उसको कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, 450 मिनट्स की, 450 मिनट्स को अगर मैं आर के अंदर कन्वर्ट करती हूँ देन कितना आ गया आपके पास में, 7.5 कुछ आर्स आएंगे, दैट मीन्स व्हाट कि हमारे पास तो 12 घंटे है, वो तो 7.5 घंटे में ही क्रॉस करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यस। नेक्स्ट देखिए, वट आर द वैल्यूज ऑफ एम एन एंड, आपके पास में दो स्टेटमेंट्स गिवन हो सकती हैं, स्टेटमेंट गिवन हो सकती है और उसके बेस पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्या है, एन इज एन इवन इंटीजर, एम इज एन ओड इंटीजर एंड एम इज ग्रेटर देन एन, एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है एन से। द प्रोडक्ट ऑफ एम एन एंड इज 30, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 30। अब या तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाँ जी फर्स्ट इज सफिशियंट, सेकेंड इज सफिशियंट, बोथ आर सफिशियंट, निदर इज सफिशियंट, इस तरह से अपने पास में आ सकता है, या आपके पास में डायरेक्टली आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पे उसने क्या कहा कि हाँ जी वैल्यू क्या है, 15 into 2 या फिर 6 and 5। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, इनसफिशियंट डाटा, क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहे हैं, n इज इवन, m इज ओड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू देखनी है m और n की, m ओड मीन्स जो पहला नंबर है वो होना चाहिए ओड और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इवन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहला इवन है तो ये तो नहीं आएगा, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट देखूँ तो कितना बन रहा है, 15 into 2, दैट मीन्स की फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट, आई होप सभी को क्लियर है, सिंपल था, डन। अब यहाँ पे माइंड में आ रहा है 10 into 3 भी तो आ सकता है, 10 into 3 भी तो आ सकता है, 3। अब अगर मान लो मैं 10 into 3 की बात करूँ तो उस केस के अंदर 10 into 3 कितना बन रहा है बेटा, 30 बन रहा है, क्योंकि 3 into 10 ले लेते हैं। अगर हम इस तरह से करें कि हाँ जी पहला तो मुझे क्या चाहिए, और चाहिए, तो उस केस में 3 into 3 10 बन रहा है। अब डाटा सफिशियंट इसलिए है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, जब एम इज ग्रेटर देन एन लेते तो ये वाला बनता है, बट इसके केस के अंदर हमारे पास में इसने क्या कहा, एन इज एन इवन इंटीजर, एन इज एन इवन इंटीजर, दैट मीन्स कि इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ आपके पास में यही आंसर आएगा, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए आज के क्लास के अंदर डाटा सफिशिएंसी के, लास्ट टाइम है बेटा, जैसे अभी टाइम हमारे पास में काफ़ी कम है, लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं कि आपको ये पता चल जाए कि अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो लॉजिकली क्या हमारा माइंड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी रेडी है। अगर नहीं तो बेटा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप ये कह सकते हो कि आपके 3 to 4 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर कुछ क्वांट के हो सकते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के हो सकते हैं। आज के क्लास के अंदर हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी डाटा सफिशिएंसी के, ओके। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बने रहिए अभी पीडिया के साथ।